हेलो दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं बीस स्पेशल के छठवें पार्ट की बात करते हैं। इसमें जल संसाधन देखते हैं। आपको बता दें, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। यह गंगोत्री ग्लेशियर या उत्तराखंड से निकलती है। ये 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और विश्व की बात करें तो अमेजन विश्व की सबसे लंबी नदी है और नील नदी दूसरी नदी विश्व की। आपको बता दें, अमेजन फैलाव में ज्यादा होने के कारण इसे लंबा माना जाता है, वरना इसकी 6400 किलोमीटर इसकी है। और नील नदी की लंबाई है 6650 किलोमीटर, लेकिन अमेजन नदी को सबसे लंबी नदी माना जाता है विश्व की। चलिए अब नर्मदा नदी की बात करें। एमपी में हम एमपी स्पेशल के लिए देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की नदियों की बात करते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। सिंगलू समिति बनी थी जो नर्मदा नदी पे विवाद के लिए से संबंधित थी। आपको बता दें, नर्मदा नदी का अपवाद क्षेत्र है 93,180 वर्ग किलोमीटर। नर्मदा नदी का जो उद्गम है, मतलब ये अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में ये समाप्त हो जाती है। ये इस डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है नर्मदा नदी। आपको बता दें, इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। एमपी में इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो 41 कुल इसकी सहायक नदियां हैं। 22 बाएं से मिलती हैं और 19 दाएं से मिलती हैं। इसमें कुछ प्रमुख देख लेते हैं। कुंदी, शेर, हिरन, दुधी, हथनी, बंजर, शक्कर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं, जैसे दामाद दोस, ये टोलमी ने इसे बोला था। मध्य प्रदेश की गंगा, मैकाल, सूता, सोमो देवी, रेवा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को बोला जाता है। आपको बता दें कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से गुजरती है। इनमें शामिल है अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर। और यहाँ बता दें, सीहोर, जबलपुर, होशंगाबाद, सीहोर, खंडवा, खरगोन नर्मदा नदी के किनारे पे बसे शहर एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के। इस पर नर्मदा नदी पर परियोजनाएं की बात करें तो रानी अवंतीबाई परियोजना, बरगी परियोजना जिसे बोलते हैं, जबलपुर बिजोरा में सरदार सरोवर परियोजना, ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नर्मदा सागर, ये खंडवा पुनासा बांध है, इस पर खंडवा में स्थित। आपको बता दें, नर्मदा नदी पर 29 बड़ी, 135 मध्यम, 3000 छोटी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं। नर्मदा नदी पर जलप्रपात की बात करें तो कपिल धारा अनूपपुर में बनता है, दुग्ध धारा अनूपपुर में, सहस्त्र धारा महेश्वर में, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में, गंधार और दद्दी जलप्रपात ओमकारेश्वर में बनता है। आपको बता दें, नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से संबंधित थे। इससे नर्मदा आंदोलन से 1989 में हुआ था। अगली हमारी नदी है चंबल। ये महू इंदौर जाना पाव पहाड़ी से निकलती है और इटावा में यमुना नदी में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियां छिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, बनास। इससे चरमावती या धर्मावती नदी नाम से भी बोला अन्य नाम है इसका। इस पर गांधी सागर बांध मंदसौर में स्थित है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है, जवाहर सागर कोटा राजस्थान में है। आपको बता दें, चंबल परियोजना है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा भी निर्धारित करती है और एमपी की उत्तरी सीमा भी निर्धारित करती है। इस पर चंबल नदी पर शहर की बात करें तो रतलाम, शिवपुर, मुरैना, मऊ, राजगढ़ शहर स्थित है इसके किनारे। जलप्रपात की बात करें तो ये पाताल पानी इंदौर में बनाती है, चुलिया जलप्रपात मंदसौर में और झाड़ीदाह इंदौर में बनाती है। बेतवा नदी की बात करें, अगली है बेतवा हमारी, ये कुम्हरा गाँव रायसेन से निकलती है, यमुना नदी में हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर और यूपी एमपी की सीमा निर्धारित करती है बेतवा। इसकी सहायक नदियां हैं धसान, बीना। इस पर माता टीला बांध है महारानी लक्ष्मीबाई सागर
और राजघाट बांध इसी बेतवा पे स्थित है। और बेतवा नदी पे भांडे नहर दतिया ग्वालियर भिंड को सिंचाई देता है, जो नहर भांडे नहर बेतवा पर स्थित है। हलाली नहर भी बेतवा नदी से जुड़ी रायसेन विदिशा में सिंचाई होती है। बेतवा नदी के किनारे बसे शहर देख लेते हैं, अशोकनगर, ओरछा, गुना, सांची, विदिशा, चचोड़ा। अगली हमारी सोन नदी, ये अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और गंगा में पटना में समापन हो जाता है इसका। इसकी सहायक नहीं है नदियां जहिला, जहिला, गोपद, रिहंद नदी। यह यूपी, एमपी और बिहार में है। इसमें 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसे अन्य नाम से जाना जाता है, सूर, सुवर्ण, सोनभद्र, हिरणबाऊ, महानदी। बाणसागर एमपी, यूपी, बिहार से संबंधित है। देवलोद की बांध की बात करें तो सहडोल, ये देवलोद बांध जो इस पर सोन नदी पर स्थित है, ये सहडोल में स्थित है। अगली हमारी छिपरा, छिपरा नदी की बात करें तो ये काकरी बरडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है और चंबल में समापन हो जाता है इसका। इसकी सहायक नदी है खान गंभीर। इसकी बात करें तो 195 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। छिपरा को मालवा की गंगा भी बोला जाता है। छिपरा नदी के किनारे बसे शहर हैं उज्जैन, रतलाम, मंदसौर। अगली हमारी ताप्ती नदी, ताप्ती मुलताई तालाब बैतूल से निकलती है और खंबात की खाड़ी में सूरत में इसका समापन हो जाता है। इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर। ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। इसकी सहायक नदियां पूर्णा, बागोड़, गिरना, बोरी, सेवा। आपको बता दें काकरा पारा उरई उकरई परियोजना गुजरात में स्थित है। ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित से बहती है ताप्ती नदी। इसके शहर की बात कर लें, इसके किनारे बसे शहर बुरहानपुर व सूरत है। आपको बता दें ताप्ती नदी पर भीसा देई पठार पर भीड़ों का निर्माण करती है ताप्ती नदी। तावा नदी की बात करें तो ये पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है और नर्मदा होशंगाबाद में इसका समापन हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 172 किलोमीटर। इसके किनारे शहर बसे हुए तावा नगर, पचमढ़ी, तावा बांध भी यही होशंगाबाद में है। ये एमपी का सबसे बड़ा बांध है। अगली हमारी कालीसिंध, जो बागली गांव देवास से निकलती है, चंबल राजस्थान में समापन हो जाता है। ये साजापुर और राजगढ़ से बहती हुई, आपको बता है इसकी लंबाई है 150। ये शहर इसके किनारे बसे हुए हैं देवास, सोन, कच्छ। एक सिंध नदी है जो दतिया उसे ऊपरी से बहती है। कैन कैन कैमूर कटनी से निकलती है और पन्ना बांधा होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। इसे कैन को सुक्तमती या देनावती नदी भी बोला जाता है। अगली हमारी बैन गंगा, इसे नेवा या दीदी भी बोला जाता है। इस सरसवाड़ा पठार से निकलती है और सिवनी से और ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। इस पर परियोजनाएं अपर बैनगंगा संजय परियोजना बैनगंगा नदी पर स्थित है। दक्षिणी मध्य प्रदेश की ओर बहने वाली एकमात्र नदी बैनगंगा है। इसके किनारे बसा शहर है बालाघाट। अंगलिया टोंस, इसे तमसा भी बोला जाता है, कैमूर पहाड़ी मेयर सतना से निकलती है और गंगा नदी यूपी में समापन हो जाता है। इसके सहायक नदियां बीहड़, विलेन, कुंवारी नदी है। अंगली ये सुपरी पठार से निकलती है और सिंध नदी में मिल जाती है। अंगली हमारी पार्वती, ये सीहोर जिले से निकलती है और चचोड़ा गुना से होते हुए चंबल में विलीन हो जाती है। इसके पार्वती नदी के किनारे शहर स्थित है आष्टा, राजगढ़, साजापुर। अगली हमारी कूनो नदी, ये सुपरी पठार से निकलती है, चंबल में विलीन हो जाती है। इसकी लंबाई है 180 किलोमीटर। अगली हमारी है वर्धा नदी, ये वर्धन शिखर मुलताई से निकलती है और बैनगंगा में समापन हो जाता है। अगली है शक्कर, ये अमराबाड़ी सिवनी से निकलती है, गोदावरी में ये मिल जाती है। अगली है हमारी गार नदी, ये लखना सिवनी से निकलती है। आपको बता दें यहाँ कि रीवा बिछिया नदी के किनारे बसे हुए इंदौर, खान नदी के किनारे, धार, माही नदी और मंदसौर, सिवना नदी के किनारे बसे हुए शहर है। प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं, इन पर प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से है। भालकुंड जलप्रपात है जो बीना नदी सागर में, डचेस फॉल है जो पचमढ़ी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, अप्सरा जलप्रपात है पचमढ़ी में, रजत
जलप्रपात है पचमढ़ी, वी फॉल है ये जल सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, राहतगढ़ जलप्रपात है बीना नदी सागर में, शंकर खो है जामनेर हवनी अभयारण्य में, बहुटी है बीड रीवा में, चरचाई है बीड रीवा में, पांडव जलप्रपात है पन्ना में, केवटी है बीड रीवा में जलप्रपात, पियावन है रीवा में, पुरवा है रीवा में, बिलेई भी रीवा में स्थित है। चलिए तो हमने देख लिया है सिक्स पार्ट, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बता देते हैं। चंबल है जो उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली है नदी, आपको बता दें मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को बोला जाता है क्योंकि ये पवित्र गंगा उसे बोला जाता है जो पवित्र एवं धार्मिकता का द्योतक हो। कई किताबों में बेतवा को भी मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है, तो नर्मदा नदी इसका सही ऑप्शन है। और नर्मदा नदी है जो हमारी भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में विभाजित करती है, और मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं सभी जो प्रायद्वीपीय है, नदियां हैं। चलिए तो ये लेक्चर खत्म होता है दोस्तों, सातवा लेक्चर पार्ट है जो हमारा, अगले लेक्चर में हम सातवें पार्ट की बात करेंगे। ये एमपीपीएससी के लिए और अदर एग्जाम है एमपीएसआई एमपीपीएस, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए।